चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पिशावर से वापस इस्लामाबाद आने का फैसला। हुकूमत की तो दौड़ें ही लग गईं। वजीर आजम समेत वुज़रा के चेहरों पर खौफ तारी हो गया। आनन फानन इमरान खान को रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करने लगे। वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अचानक ऐलान पर राना सनाउल्ला भी हक्का बक्का रह गए। पुलिस को एक बार फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर उकसाया जाने लगा। हड़बड़ाते हुए चैलेंज दे डाला कि दोबारा मार्च इस्लामाबाद लेकर तो आए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने दोबारा बनीगाला मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। वो गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च खत्म करने के बाद से पिशावर में ही मुक़ीम हैं और वहीं से खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में सियासी इज्तिमाअत के लिए रवाना हो रहे हैं। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी बनीगाला में तलब किया गया। कोर कमेटी इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी मेंबरान इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।